नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माय विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है ब्रेसेस। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगा ब्रेसेस के बारे में। पहला पॉइंट रहेगा कि ब्रेसेस किस तरह के केसेस में एडवाइस किया जाता है। दूसरा पॉइंट कि ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने ऑप्शंस मिलते हैं आपको ब्रेसेस में। तीसरा पॉइंट कि ब्रेसेस में टाइम कितना लगता है, ट्रीटमेंट खत्म होने में टाइम कितना लगता है। और चौथा पॉइंट, ब्रेसेस में खर्चा कितना आता है। तो ये तमाम चीजों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई विजय यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्रेसेस। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ब्रेसेस किस तरह के पेशेंट को एडवाइस किया जाता है, किस तरह के पेशेंट को ब्रेसेस बिल्कुल लगावा लेना चाहिए। तो मैं आपको कुछ केसेस दिखा देता हूं। ये देखिए, मैंने पिक्चर लगाई है, आप पिक्चर देख रहे हैं। ये पेशेंट के टेढ़े मेढ़े दांत थे, जिसके दांत इररेगुलर है, प्रॉपर नहीं है, बाइटिंग दांत प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होते हैं, उबड़ खाबड़ है, तो उनको ब्रेसेस बिल्कुल लगा लेना चाहिए। देखिए, ये पेशेंट के टेढ़े मेढ़े दांत थे, उसने ब्रेसेस लगाया। ब्रेसेस के बाद जो रिजल्ट आया, आप खुद देख सकते हैं कितना फाइन रिजल्ट है। तो जिनके इररेगुलर दांत है तो उनको ब्रेसेस लगाना चाहिए। दूसरा केसेस में ये देखिए, जिनके दांत में गैप है, अगर दांतों में, बहुत लोगों के दांतों में गैप होता है, तो अगर कम गैप है तो अब ब्रेसेस की जगह पे बहुत सारे अलग ट्रीटमेंट भी है। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था मिडलाइन डायस्टिमा के ऊपर, जिसको करीबन 2 हफ्ते में मोर देन 2 लाख लोगों ने देख लिया है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन आया, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो उसमें मिडलाइन का केस मैंने बताया था। बट मिडलाइन के केसेस में आपके पास और भी ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं कि ब्रेसेस लगवाना है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए। तो अगर कम स्पेस है तो और भी ऑप्शन है, और क्या क्या ऑप्शन है मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप वो वीडियो जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या ऑप्शन है कम अगर स्पेस है तो ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ब्रेसेस नंबर 1 ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बंद करता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ये आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बता दिया कि टेढ़े मेढ़े दांत रहेंगे तो आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, या बीच में आपके दांतों की स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो बिल्कुल ब्रेसेस ही लगवाइए और कोई ट्रीटमेंट कराइए, दूसरा ट्रीटमेंट मत कराइए। कम स्पेस है तो दूसरे ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो ये हो गया इस तरह के केसेस में। दूसरे पॉइंट्स में हम आते हैं कि अब ब्रेसेस में टाइप्स कितने होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बेसिकली पहले 2 टाइप के ब्रेसेस आते थे और अभी आते हैं, सॉरी थे नहीं है, एक मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस। ये 2 तरह के ब्रेसेस होते हैं। एक अभी लेटेस्ट आया है जिसको इनविजिल अलाइन बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं उसके बारे में, लेकिन मैं पहले बेसिक से शुरू करता हूं। तो 2 तरीके के ब्रेसेस होते हैं, एक होता है मेटल ब्रेसेस और एक होता है सिरेमिक ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस, ये देखिए, ये केस में मेटल ब्रेस लगा है। मेटल ब्रेसेस मेटल का रहता है, धातु का रहता है, जो किसी को भी पता चल जाता है अगर आपने लगवाया है। और सिरेमिक ब्रेसेस, ये देखिए, ये केस सिरेमिक ब्रेसेस है, इसमें दांत के कलर का जो शेड होता है उससे मैच करके ये ब्रैकेट्स लगाया जाता है, ब्रेसेस लगाया जाता है, तो सामने व्यक्ति को ऐसे पता नहीं चलता कि कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अगर पास से सिरेमिक ब्रेसेस को भी देखेगा तो पता चल जाएगा कि ब्रेसेस लगा हुआ है। लेकिन ये दोनों में सबसे बड़ा ये डिफरेंस है कि ये क्लियर पता चल जाता है, मेटल का है तो साफ साफ दिख जाता है, और ये ऐसे ईजिली नहीं दिखता। तो एक एस्थेटिकली मतलब सुंदरता में सिरेमिक ब्रेसेस आगे है और मेटल ब्रेसेस पीछे है, क्योंकि मेटल ब्रेसेस थोड़ा ठीक खूबसूरत नहीं दिखता, सिरेमिक ब्रेसेस अच्छा दिखता है, दांत से मैच हो जाता है इसलिए। बट अब दोनों में रिजल्ट का मैं बता दूं, देखिए दोनों ब्रेसेस का जो रिजल्ट है वो सेम स्पीड का है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेटल ब्रेसेस क्या बोलते हैं आपको ट्रीटमेंट जो है रिजल्ट कम देगा और सिरेमिक ब्रेसेस ज़्यादा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दिखाने का है, मेटल ब्रेसेस मेटल का दिखता है, सिरेमिक ब्रेसेस नेचुरल दिखता है, बस इसका ही फर्क होता है, ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं होता। अब ये दोनों ब्रेसेस जो होते हैं ये दोनों तरफ से लगाए जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूं आपको, आगे से भी लगाए जाते हैं, ज्यादातर तो केसेस में आगे से ही लगाए जाते हैं, लेकिन ये ब्रेसेस पीछे से भी लगते हैं, जिनको कहते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। कई लोग सोचते हैं कि लिंगुअल ब्रेसेस कुछ और होता है या
इसको लिंगुअल ब्रेसेस को एक और नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं इनविजिबल ब्रेसेस। इनविजिबल ब्रेसेस आपको डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जो ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपको बताएंगे ऑप्शन कि आपको मेटल ब्रेसेस लगाना है, सिरेमिक ब्रेसेस लगाना है, लिंगुअल ब्रेसेस लगाना है। तो लिंगुअल ब्रेसेस कोई अलग से ब्रेसेस नहीं होता, लिंगुअल का मतलब होता है पीछे साइड से, आगे वाले साइड को लेबियल बोलते हैं और पीछे अंदर वाले साइड को लिंगुअल बोलते हैं। तो लिंगुअल ब्रेसेस का मतलब ये होता है कि यही ब्रेसेस को लिंगुअल तरफ से लगाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये देखिए मैंने आपको फोटो भी लगा दी, आप फोटो में भी देख रहे हैं, पीछे साइड से लगा है। तो अब मैं आपको यहीं पे ये बता देता हूं कि दोस्तों ज्यादा बेहतर क्या है, सामने की तरफ से लगाना या पीछे की तरफ से लगाना। तो आपको ब्रेसेस जो सामने की तरफ रहते हैं वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेरेटिवली टू लिंगुअल ब्रेसेस। जो पीछे से ब्रेसेस लगते हैं वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं पेशेंट को। लेकिन जिनकी इच्छा होती है, जो पेशेंट चाहते हैं कि बिल्कुल ब्रेसेस पता नहीं चले, क्योंकि हर का सोचना अलग है, हर की थिंकिंग अलग है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ट्रीटमेंट करवाना तो चाहते हैं लेकिन सामने किसी को शो नहीं होना चाहते कि किसी को पता चले कि हमारा ट्रीटमेंट ब्रेसेस ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन लोग तकलीफ झेलते भी हैं और पीछे से ही लगवाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से लगवाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आगे से लगाना ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें तकलीफ कम होती है। और ये आपको एक बात बता दूं कि आगे से जो ब्रेसेस लगते हैं उनका रिजल्ट का स्पीड ज्यादा रहता है एज कंपेरेटिवली जो पीछे से लगाए जाते हैं ब्रेसेस। जो पीछे से ब्रेसेस लगाए जाते हैं उनका रिजल्ट स्लो रहता है और आगे वाले जो ब्रेसेस लगाए जाते हैं उनका रिजल्ट ज्यादा फास्ट रहता है। क्योंकि डॉक्टर को भी कन्वीनियंट रहता है ट्रीटमेंट करना, सामने की तरफ से ट्रीटमेंट करना कन्वीनियंट होता है एज कंपेरेटिवली टू पीछे की तरफ से ट्रीटमेंट करना। तो दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ब्रेसेस लगाना है, सिरेमिक ब्रेसेस लगाना है या मेटल ब्रेसेस लगाना है और किस साइड से लगवाना है। मैंने आपको बता दिया किस तरफ से कंफर्टेबल रहता है, किस तरफ से अनकंफर्टेबल रहता है, बट आगे का डिसीजन आपका डिसीजन है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रोक देता हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा। मैं जैसा टाइमिंग देख रहा हूँ मोर देन 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है और इसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा। तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जो इस वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको आ जाएगा उसका लिंक। तो आप सेकेंड पार्ट देखिए और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी लीजिए। तो दोस्तों अगर इतना आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कि उनको भी अवेयरनेस बढ़े, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।